तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन वर्क के बारे में कि आप ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, सबटाइटलिंग, ऑडियो डिस्क्रिप्शन ये सभी काम करके कैसे अर्निंग कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जिस वेबसाइट के बारे में बात करने वाले हैं वहां पे आपको बहुत ही ज्यादा मात्रा में आपको ट्रांसक्रिप्शन का काम मिल जाता है। बस यहाँ पे आपको आना है, अकाउंट बनाना है सिर्फ, और अकाउंट बनाने के बाद आपको एक फाइल मिलेगा, उस फाइल को ट्रांसक्रिप्शन में कन्वर्ट कर देना है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए, नहीं तो आप जाएंगे वेबसाइट और वहां पे अकाउंट बनाते रहिएगा, आपको यहां पे अप्रूवल ही नहीं मिलेगा और बाद में आपको गाली देना पड़ेगा। तो ट्रांसक्रिप्शन के वर्क में दोस्तों आपको क्या होता है कि आपको एक ऑडियो या वीडियो फाइल मिल जाएगा। जैसे मेरा ये वीडियो है, इसको आप सुन रहे हैं, ये फाइल हो गया, ठीक है। अब इसी फाइल का जो मैं बोल रहा हूं वही टेक्स्ट में कन्वर्ट करना आपको, और वही टेक्स्ट करके फाइल को यहां पे दे देना जो टेक्स्ट आप लिखे हैं। जैसे मैं जो बोल रहा हूं, जैसे मैंने बोला जो बोल रहा हूं, तो ये आप लिख देंगे और उठा करके ये फाइल इसको दे देंगे वेबसाइट वाले को, और वहां से आपको पैसा मिल जाएगा। अब ये वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इससे आपको कोई मतलब नहीं है। अब आपको ये भी मैं जरा बता देता हूं कि भाई ये लोग करते क्या है। तो जैसे देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं या फिर बहुत सारी चीजें हैं, कोई आप वेबिनार्स करते हैं, कोई बंदा उसका लोग रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, तो उसका जो लैंग्वेज होता है ना उसको अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, या फिर उसको उनको टेक्स्ट में चाहिए होता है, तो वो लोग आप जैसे लोगों को हायर करते हैं इन वेबसाइटों के जरिए से। और वहां से क्या होता है, जैसे किसी क्लास का लेक्चर है, वो लेक्चर यहाँ पे किसी बंदे ने दिया कि भैया इसका मुझे टेक्स्ट में चाहिए और इसके लिए मैं आपको जितना मांगिए उतना दे सकता हूँ, आपको $100, $50, $20, तो आपको उतना देगा और आप उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके पकड़ा देंगे और आप वहां पे पैसा अपना लेके साइड हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है अगर जो आप ये काम कर सकते हैं तो आज का ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा। और यहाँ पे उसके अलावा आप ट्रांसलेशन का वर्क पा जाएंगे जिसमें एक लैंग्वेज से आपको दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेशन का काम मिल जाता है। सब टाइटलिंग का वर्क मिल जाता है, जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूं तो मेरे वीडियो के नीचे जो सब टाइटल आता है वो काम आप कर सकते हैं। ऑडियो डिस्क्रिप्शन का भी काम कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक एक मिनट का आपको $2 से लेके $7 तक की अर्निंग होती है। तो ठीक है, यहाँ पे एक मिनट का ऑडियो फाइल है उसको अगर जो आपने कन्वर्ट कर दिया, अगर जो सिंपल लैंग्वेज सिंपल सा है तो आपको $2 $3 भी मिल सकता है, अगर जो वो थोड़ा सा टफ है तो आपको $7 मिलने वाला है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश मौर्य और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल RM Tech। तो चलिए मैं चलता हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और वहां पे आपको अच्छे से पूरा समझा देता हूँ। तो दोस्तों मैं आ गया अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और यहाँ पे आप अपने कंप्यूटर में सबसे पहले सर्च करेंगे threeplaymedia.com। हो सकता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूं, लेकिन अगर जो मैं भूल जाता हूँ तो आप ये सर्च कर लीजिएगा, आप इसका नाम मत भूलिएगा, threeplaymedia। आप जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं हम व्हाइट सा इसका डैशबोर्ड है। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे काम क्या मिल जाता है, जैसे यहाँ पे सर्विस का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करता हूं मैं तो आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सा काम मिल जाएगा। कैप्शनिंग का काम मिल जाता है, ट्रांसक्रिप्शन का, ऑडियो डिस्क्रिप्शन का, लाइव कैप्शनिंग का, लोकलाइजेशन सर्विस का, पॉडकास्ट ट्रांसक्रिप्शन का, इंटीग्रेशन का, पॉडकास्ट फीचर का, तो ये सब काम बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इनमें जो मेन काम है दोस्तों, इसमें सब में एक ही काम होता है कि आपको ऑडियो फाइल मिल जाएगा, वीडियो फाइल मिल जाएगा, उसको आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। मेन मकसद इनका यही है कि टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। बट ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, आपको केवल डायरेक्ट पेज में टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसको भी कैप्शनिंग में भी आपको पेज में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट ये आपको वीडियो फॉर्मेट के हिसाब से कैप्शनिंग करना पड़ता है। तो ये होता है, बट मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन के वर्क के लिए बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अप्लाई करना नहीं जब तक आप सीख पाएंगे तब तक यहाँ पे काम कैसे करेंगे। यहाँ पे ब्रांड देख सकते हैं, ट्रस्टेड बाय 10,000 प्लस कस्टमर। अब कस्टमर का मतलब हुआ दोस्तों ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, यही ब्रांड यहाँ से अटैच है जो काम करवाती है। अब नीचे आएंगे तो आप इसके बारे में कुछ रीड करना चाहते हैं तो रीड कर सकते हैं, वरना मैं आपको जो मेन टॉपिक्स है इसका उसके बारे में समझा देता हूं, ठीक है। अब यहां पे देख सकते हैं दोस्तों कैनवा है, कैनवा खुद इससे काम करवा रहा है। नीचे आएंगे तो आपको यहां पे एक ऑप्शन मिल जाएगा जॉब का, जॉब वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे जॉब वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक फुल टाइम में आप काम कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे आप अपना नौकरी लगवा सकते हैं, जैसे किसी कंपनी में जाते हैं आप काम करते हैं वैसे यहाँ पे फुल टाइम करियर अपना स्पेंड कर सकते हैं, और एक हुआ फ्रीलांस बेस पे ट्रांसक्रिप्शन का वर्क करने वाला जॉब आप कर सकते हैं। तो आप दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं, बट मैं यहां पे फालतू में लाइफ टाइम के लिए नहीं बता रहा हूं,
आपको यहाँ पे फ्री लेंस बेस पे कर रहा हूँ कि भैया मुझे मन कहेगा तो मैं रात को करूंगा, मेरा मन कहेगा तो मैं 12 बजे रात को करूंगा, या सुबह करूंगा, या फिर सोऊंगा ही नहीं, कुछ भी करना हो मैं इस टाइम करूंगा, ठीक है। मेरा यहाँ पे कोई यहाँ पे पार्टिकुलर टाइम फिक्स नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आप फ्रीलेंस बेस वाला करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अप्लाई टू स्पेनिश ट्रांसक्रिप्शन, और अप्लाई टू इंग्लिश वॉइस ओवर राइटर, और यहाँ पे अप्लाई टू इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन का ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है। अब इंग्लिश में वॉइस ओवर, वॉइस राइटिंग का काम अगर जो आप करना चाहते हैं तो ये काम भी यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे वॉइस से इंग्लिश वॉइस राइटर का वर्क आप कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन के लिए खींच के लेके आया हूँ, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के वर्क के लिए मैं बताऊंगा। और स्पेनिश तो 99% लोगों को नहीं आता होगा जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, बट इंग्लिश उसमें से 90% लोगों को आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्या है, रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन क्या है, सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। अब ये इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन के लिए है, तो सबसे पहले एक्सीलेंट इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश समझ में आना चाहिए। यहाँ पे एक्सीलेंट लिखा है, बट मैं आपको एक्सीलेंट, क्योंकि आपको यहाँ पे काम करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि इनको कोई एक प्रूफ देना आईडी प्रूफ, ठीक है। आपको यहाँ पे काम करना, अब काम करना है तो आप अपने हिसाब से अपने अनुमान लगा लीजिए कि आप कितने काबिल हैं कि यहाँ पे काम कर सकते हैं या फिर नहीं। अगर जो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे काम कर सकते हैं तो आप यहाँ पे अकाउंट बना लीजिए, अगर जो लगता है कि नहीं कर सकते हैं तो भी आप यहाँ पे अकाउंट बना ही लीजिए, क्योंकि अगर जो आप नहीं कर पाएंगे तो आप किसी और से करा सकते हैं। टेस्ट एक होता है, वो टेस्ट तो आप किसी और से फिल करवा के उसके बाद यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सीलेंट कमांड, आप इंग्लिश ग्रामर, यानी कि बोल रहा है कि आपका इंग्लिश ग्रामर अच्छा होना चाहिए, जैसे कि अगर जो आपका इंग्लिश ग्रामर अच्छा नहीं होगा तो एक्सीलेंट कमांड ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड जो भी प्रोकेशन लिखा है, तो आप यहाँ पे एंड छटका दें, एंड इधर लगा दें और ग्रामर इधर कर दें, तो ऐसा कर देंगे तो इसका जो सेंटेंस होगा वो बिगड़ जाएगा। तो इसलिए कह रहा आपको एक्सीलेंट एकदम ग्रामर आना चाहिए, बट मैं कह रहा हूँ कि भैया आप गूगल ट्रांसलेट, आप यहाँ पे ग्रामरली का यूज कर सकते हैं, तो आपको अच्छे से ग्रामर नहीं आता तो भी चलेगा, आप ग्रामरली यहाँ पे एक्सटेंशन का यूज कर सकते हैं, वो आपके आर्टिकल को ऑलरेडी सही करके देने वाला, ठीक है। उसके अलावा भी यहाँ पे बोल रहा है कि आपका यहाँ पे एज 18 साल से ज्यादा होना चाहिए, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको पास होनी चाहिए कि मैं यहाँ पे 18 साल से ज्यादा हूँ। फिर यहाँ पे अप्लाई आई बी कैन जो भी है यहाँ पे क्लिक कर देना है। अप्लाई वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे फिर से आपके रोल्स के बारे में बताएगा कि भैया आपको क्या क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक कंप्यूटर की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे कि यहाँ फॉर द बेस्ट रिजल्ट कंप्लीट द एप्लीकेशन ऑन ए कंप्यूटर, ठीक है। यानी कि इसका जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट करने के लिए आपको एक कंप्यूटर की नॉलेज पड़ने वाली है, मतलब जरूरत पड़ने वाली है, सॉरी जरूरत पड़ने वाली है। उसके बाद यहाँ पे यू रिकमेंडेड कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन योर सिटिंग, यहाँ पे 15 मिनट का कह रहा टाइम लगेगा, और ये 15 मिनट आपको कंटिन्यू इसका जो अकाउंट है वो बनाना पड़ेगा, तो आपको मैं बनाकर बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये दोस्तों है एप्लीकेशन के लिए इससे बोला है कि आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, तो अकाउंट एक बार जब आप बन जाएगा आपका, ठीक है, तो उसके बाद जो काम आपको मिलेगा ना वो किसी और से अगर जो आपको करवाना तो कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, लेकिन अगर जो आप खुद करेंगे तो फोन से आपके ऊपर है कि आप फोन से टाइपिंग करेंगे या फिर आप भैया कंप्यूटर से करेंगे, वो आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर है तो अच्छा है, नहीं होगा तो बाद में आपको थोड़ा बहुत इधर उधर से एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि यू रिसीव्ड ईमेल योर पार्ट द नेक्स्ट स्टेप, आपके ईमेल आईडी पर एक लिंक जाएगा, उस पर क्लिक करके आपको कंफर्म करना पड़ेगा। उसके बाद वही फिर आपको रूल एंड कंडीशन यहाँ पे दिया रहेगा कि भैया आपके पास ये होना चाहिए, ये एक्सीलेंट होना चाहिए, बार बार दे करके ये लोग टॉर्चर कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे अकाउंट आपको न्यू बनाना है या फिर पुराना बनाना है, तो हमको न्यू बनाना है, तो स्टार्ट न्यू ट्रांसक्रिप्शन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, कंट्री, कंट्री आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, किसी भी कंट्री से वो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे इंडिया से हूं तो मैं आपको इंडिया सेलेक्ट कर लूंगा, आप अगर जो इंडिया से हैं तो इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर जो किसी और कंट्री से हैं तो वो कंट्री भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जैसे ही पूरा डिटेल डाल करके आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का मैसेज भी आ सकता है, जैसे कि लिखा है यहाँ पे थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर ईमेल,
आई विल रीच आउट, वी री ओपन अप्लीकेशन। मतलब इनका कहने का मतलब आपका जो यहाँ पे ईमेल सबमिट किया आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इसको ये ओपन करेंगे तभी आपके पास अप्लीकेशन इसका आगे का सबमिट मैं कर पाऊंगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये देख सकते हैं एंटर योर ईमेल एड्रेस टू रिसीव नोटिफिकेशन वी ओपन री अप्लीकेशन अगेन। ठीक है, तो आपके मेल बॉक्स पे यहाँ पे कुछ टाइम बाद, हो सकता तुरंत ना जाए, कुछ टाइम लग सकता है, उसके बाद आपके ईमेल आईडी पर इनके द्वारा एक एप्लीकेशन भेजा जाएगा, वहीं से जाके आप अकाउंट अपना पूरा सेटअप कर सकते हैं। अब अकाउंट सेटअप में आपको करना क्या है, तो ये थोड़ा सा इशू आ सकता है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे वेट नहीं कर पाएंगे। अगर जो आप यहाँ पे इसके अलावा भी कोई काम करना चाहते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे अप्लाई टू बी एन इंग्लिश वॉइस राइटर, तो इस पे क्लिक कर देंगे और इंग्लिश वॉइस राइटर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम चीजें हैं यहाँ पे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, कंट्री, सब कुछ यहाँ पे डाल करके और यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि अगर जो आप यहाँ पे अकाउंट जब बना लेंगे, ठीक है, ये तो हो गया, मैं इंग्लिश राइटर वाले पे ले आया हूँ, लेकिन अगर जो आप जाते हैं ट्रांसक्रिप्शन वाले पे, तो वहां पे जब आपको एप्लीकेशन आ जाएगा तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले फिल करना पड़ेगा, फिर ईमेल को आपको अपने कंफर्म करना पड़ेगा, फिर लोकेशन इन्फॉर्मेशन और स्किल एंड एक्सपीरियंस जो है वो सब कुछ फिल करना पड़ेगा। अब स्किल एंड एक्सपीरियंस जो है उसमें दोस्तों आपको कुछ ज्यादा कुछ नहीं, अपना स्किल आपके पास क्या नॉलेज है, उसके बाद क्या एक्सपीरियंस है वो फिल करना पड़ेगा, और लास्ट में जाके आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, और अपने आईडी प्रूफ के तौर पे आप अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड लगा सकते हैं। तो इसमें आपको दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है यहाँ पे ईमेल आने में, कि ईमेल थोड़ा सा लेट हो सकता है आपका। अगर जो ज्यादा टाइम हो जाए आपको ईमेल ना आए, तो डायरेक्ट आपको जाना इनसे कॉन्टेक्ट कर लेना, तो आपको ये चीज यहाँ पे करना ही पड़ेगा अगर जो आप यहाँ पे काम करना चाहते हैं तो। मैं ये चीज यहाँ पे आपको पहले ही बता देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे आपको काम करने का पर मिनट के हिसाब से रेट फिक्स किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको यहाँ पे $2 से लेके $7 तक का अर्निंग होता है पर मिनट के हिसाब से। अब ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये किस कैटेगरी में रख करके आपको देती है, जैसे यहाँ पे रिसीव वीकली पेचक, आप वीकली यहाँ से विड्रॉ ले सकते हो, वो भी अपने पेपाल अकाउंट में। बस यहाँ पे आपको जो इशू है वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये वाला चीज है, यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल करके एप्लीकेशन आप सबमिट कर देंगे, थोड़ा देर वेट करेंगे 1-2 घंटे, उसके बाद अगर जो आपको तब भी नहीं आता तो डायरेक्ट आप मेल करेंगे। मेल कहाँ पे करेंगे, तो आपको मेल करने के लिए डायरेक्ट आपको यहाँ पे जाना दोस्तों, आपको कॉन्टेक्ट कर लेना है इनके यहाँ पे वेबसाइट पे, मतलब सॉरी यहाँ पे इनके जो भी कॉन्टेक्ट है, या फिर आप सोशल मीडिया पे भी इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे इनके पॉलिसी, पार्टनर, सिक्योरिटी, सिस्टम, स्टेटस सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, तो आप कहीं से भी जाके इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये भी यहाँ पे इनका पूरा डिटेल दिया है, तो अगर जो आपके इसके आसपास रहते हैं तो वहां पे भी जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इनके सपोर्ट पेज में जाके आप यहाँ से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो मतलब कॉन्टेक्ट करने का बहुत ज्यादा ऑप्शन है, सपोर्ट पेज में भी जा सकते हैं आप, तो यहीं से आप पूरा काम कर सकते हैं। तो अगर जो आपको ट्रांसक्रिप्शन का काम करना है और आप एक अच्छी खासी वेबसाइट ढूंढ रहे हैं, ठीक है, जहां पे आप ट्रांसक्रिप्शन का वर्क बेझिझक कर लें, तो आप ये वेबसाइट चूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर वेबसाइट पे अगर जो आप जाते हैं दोस्तों तो काम तो वहां पे भी मिलेगा, बट ये थोड़ा सा नया, तो यहाँ पे आपको का अच्छी खासी काम मिल सकती है और अच्छे खासे आप अर्निंग कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को जो पसंद आए दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हम चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।